ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो आने वाला अपकमिंग आईपीओ है जो है एसबीआई कार्ड का आईपीओ, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी उसकी ओपनिंग डेट होगी, कौन से प्राइस पे आएगा और कितनी साइज में आएगा वो सब बात करेंगे, और कितने शेयर का लॉटआउट होगा वो सब डिटेल में हम बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ लर्निंग करनी है, तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो आईपीओ आने वाला है उसके पहले थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, बाद में ये देखेंगे कब ये ओपन होगा, क्या आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो पहले जो पॉइंट देखते हैं तो उसमें क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यू इन इंडिया, मतलब इसका क्या होगा, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यू में इसका नाम आता है, तो एक अच्छी कंपनी है। बाद में क्या है कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर एक्वायरेशन, इसका मतलब क्या हो कि इसके पास जो कस्टमर है, जो एक्वायर कस्टमर है, वो क्या है कि डाइवर्सिफाइड है, मतलब कोई एक ही फील्ड में इसमें वर्क नहीं है इसका। बाद में क्या है कि इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज एंड डेमोस्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है कि आपको एक ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है, तो मतलब एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। बाद में हम देख लेते हैं तो सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मतलब इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है जो है एसबीआई, तो मतलब एक अच्छी बैंक है अपनी, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में जब भी ये आए तो आपको एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन के साथ एक ओपनिंग गेन देखने को मिले, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में आप इसे जब भी आए तब अप्लाई कर सकते हो। बाद में क्या है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग, मतलब इसके पास जो क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब कोई एक पे डिपेंड नहीं रहते ये। बाद में क्या है एडवांस रिस्क मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी, मतलब क्या हुआ इसके पास एडवांस रिस्क मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी है, मतलब एक अच्छी बात होती है कोई कंपनी के बारे में तो उसके पास क्या है कि अच्छा रिस्क मैनेजमेंट हो, डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी हो। बाद में क्या है कि मॉडर्न एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये जिस पे भी ये वर्क करते हैं ये वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे जैसे अपना इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग ये लोग कर रहे हैं। बाद में क्या है कि जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं कि हाईली एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम, इसका मतलब क्या हुआ आप भी देख रहे हो कि एसबीआई जो है कितने सालों से हमारी देश की बैंक है और एक अच्छा परफॉर्म भी करी। हाँ कभी कभी इसमें क्या हो जाता है कि लोन वगैरह में दिक्कत वगैरह आ जाती है, लेकिन आप देख रहे हो तो इतने सालों से एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसका जो न्यू आईपीओ आने वाला है वो भी एक अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या है कि एक्सपीरियंस टीम है जो बुरे समय में उसको निकाल के आई है। बाद में क्या है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट भी एक अच्छा है, तो हो सकता है कि ये जब आपको आने वाले दिन में जब ये आईपीओ आए एक अच्छे सबके साथ आपको ओपनिंग गेन देखने को मिले। अब हम इस आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं, कब ये ओपन होगा, कब ये क्लोज होगा, कौन सी प्राइस पे आ सकता है वो सब। तो जो ये आईपीओ है वो 20 जनवरी को ओपन हो सकता है, क्योंकि टेंटेटिव लिखा है, मतलब एक फिक्स डेट नहीं है, लेकिन क्या है कि एक आइडिया है कि नहीं 20 जनवरी को ये ओपन हो सकता है। बाद में आईपीओ क्लोज हो कब होगा, तो बाद में आईपीओ क्लोज होगा 22 जनवरी। बाद में जो ये आईपीओ है वो मार्केट में कितने पैसे उठाएगा, तो अप्रोक्स जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 9500 है, ये अप्रोक्स है, आपको इसमें चेंज भी देखने को मिल सकता है और डेट में भी चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बहुत दूर की बात है तो होता है कभी कभी आपको डेट आगे पीछे मिल जाती है। बाद में जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। बाद में प्राइस बैंड कौन सा होगा, तो जो प्राइस बैंड होगा वो अप्रोक्स 615 से लेकर 618 तक, मतलब 615 से लेकर 618 तक देखने को मिल सकता है आपको। बाद में लिस्टिंग कहाँ होगी, तो नॉर्मल बात है एनएससी बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होगी। बाद में लोट साइज कौन सी होगी, तो 24 शेयर्स की लोट साइज हो सकती है अप्रोक्स है, ये भी इसमें भी चेंज देखने को मिल सकता है, ये अभी अप्रोक्स है, लेकिन क्या है कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि नहीं ये सब हो सकता है। और अगर इसमें जैसे कुछ चेंज आता है, कुछ कंफर्मेशन आता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कंफर्म डेट ये है, बैंड ये है, तो आपको आइडिया आ जाए, और बाद में हम इसके फाइनेंशियल भी देखेंगे, सो आपको आइडिया आ जाए कि ये इसको अप्लाई करना है या नहीं। तो ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो प्राइस एक्शन भी ऐड कर
करने वाले, तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।